से धरना दिए हुए नागौर जिले के लुआ सहित कई गाँव में। बिल्कुल, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समुदाय के जो हक है वो उनको नहीं मिल रहे। जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनको सामने से चलकर मिलना चाहिए कि भैया आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, चले बैठ टेबल पर बैठते हैं, टेबल टॉक करते हैं, संवाद करते हैं और जितना हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। ऐसी कोई भावना वसुंधरा सरकार में नहीं और उसी का खामियाजा वो 2018 के चुनाव में भुगते की। हम 20 राज्यों के मंच पर चढ़कर बोला है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक नहीं 17.5 बार चोर है, चोर है, चोर है। राफेल का पूरा जो सौदा है उसमें करोड़ों नहीं अरबों कमाया है। और क्या नारा दिया था, न मैं खाता हूं न खाने देता हूं। भाई तुमसे ज्यादा इस मुल्क में किसी ने नहीं खाया। आज गुजरात के किसानों को पूछिए, हजारों की हजारों एकड़ जमीन मुफ्त के दाम अदानी के चरणों में, अंबानी के चरणों में, बिजनेस ग्रुप के चरणों में, कारपोरेट कंपनियों के चरणों में। दलितों को भी दो ना, आदिवासियों को भी दो, भूमिहीन खेत मजदूरों को भी दो, लेकिन उनको देने के लिए उनके पास जमीन नहीं। किसी जमाने में काशीराम जी ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। देखने जी साहब का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। सर सुनिए, यहाँ के राजस्थान के लोग चाह रहे थे कि आप यहाँ पे एक बड़ी सभा करें, लेकिन हम इस बात के लिए शर्मिंदा है क्योंकि राजस्थान सरकार की जातियों के वजह से आप नागौर जिले में आप नहीं आ पाए। और हमने जब जयपुर में भी अभी बात की थी आपसे तो आपने हमें और मत दिया था कि भाई मैं कोई आतंकवादी हूँ क्या। तो वास्तव में सर ये जो राजस्थान की सरकार जो है ये एक आपके साथ में आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है। आज सुबह से भी ये कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा को माला पहनाने के लिए परमिशन लेनी होगी। क्यों भाई, आज की बात है ये, किसी के बात का पैसे क्या हमारा भाई है। हम चाहते हैं सर कि आने वाले समय में आपकी परमिशन हो। सुंदरा को पूछा जाए किसी के बाप का देश है क्या। ये राजस्थान की जनता को, राजस्थान के दलितों को पूछना चाहिए। हम आपकी बड़ी मीटिंग कराना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो हम आपसे परमिशन लेकर वो करेंगे। बिल्कुल की जाएगा।